और लोग सोचते थे कि डिप्टी सीएम हम लोग जो हैं उनके बदौलत बने, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुख्यमंत्री लालू जी के बदौलत बने। तो ये तो सुपर से भी डुपर फ्लॉप रैली इनका रहा, और ये हम नहीं कह रहे, ये तो आप लोग सब लोगों ने देखा। और आश्चर्य की बात है कि 200 सीट का बोल रहे हैं जीतेंगे, अभी भी हम चाहेंगे कि घमंड अपना जो है वो छोड़ दें। कल मोतिहारी में उनसे बड़ी सभा हमारी हुई है, जितना कल गांधी मैदान में जितना भीड़ था उससे ज़्यादा तो मोतिहारी में हमारा 5 गुना ज़्यादा उनसे भीड़ था। लेकिन फिर भी भीड़ कोई मापदंड नहीं होता जीत हार का। लेकिन जो उन्होंने 15 साल जो बिहार को गरीब रखा, बेरोजगार बना दिया नौजवान भाइयों को, हमको आश्चर्य होता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री, जब हम लोग डोमिसाइल कानून लेकर के आते हैं कि मांग करते हैं डोमिसाइल की, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार के नौजवानों को रोजगार की कोई जरूरत नहीं है, जाकर के चांद पर चले जाएं रोजगार अगर चाहिए तो। हम लोगों का यही मांग था कि डोमिसाइल आता है, मान लो इंग्लिश के टीचर्स जो हैं ज्यादातर केरला से आते हैं, और मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि चाहे गणित विज्ञान या इंग्लिश के टीचर जो है बिहार में नहीं मिलते हैं। 15 साल आपको बिहार में राज करते हो गया और आप यहाँ एक गणित टीचर नहीं बना पाए, आप यहाँ पे एक विज्ञान का टीचर नहीं बना पाए, आप यहाँ एक अंग्रेजी का टीचर नहीं बना पाए, तो आखिर कोई तो पॉलिसी नीति जो है इनकी गलत है, यानी इच्छा शक्ति जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति उसकी कमी है। अगर यहाँ हमको सही टीचर नहीं मिल पाते हैं तो हम पैदा क्यों नहीं करते हैं? हम पैदा करें, अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जहां अच्छे टीचर जो है उनकी ट्रेनिंग हो, अच्छे अंग्रेजी पढ़ा सके, क्यों नहीं कर सकते अगर नीतियों में अगर बदलाव लाए तो? मतलब केरल ऐसा क्या कर देता है? केरल का भी अलग लैंग्वेज है, कोई अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं है, नहीं तो जो भी है मलयालम है, तो मलयालम है तो अंग्रेजी कैसे अच्छे टीचर वहां है? अब बिहार जो आर्यभट्ट की जो धरती रही है, जहां जीरो का निर्माण जो उन्होंने किया, अब पूरा देश जो है ये बोलता है कि बिहार का कोई जोर नहीं है गणित में, आप वहां एक गणित टीचर नहीं पैदा कर पा रहे हैं।